दोस्तों स्टेज पे कार्यक्रम हो रहा था, पूरी तरह से यहाँ पर कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं मंदिर के इस वक्त ऊपर हैं। तो यहाँ पर हर साल रंगोलियाँ वगैरह सजाई जाती थी, लेकिन इस बार नहीं सजाई गई। देर की पानी मौके पर जरूर से सजाई जाएगी। ये यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घाट पर अभी हम सद्भावना ब्रिज पर आ चुके हैं। अभी आपको गोपी घाट का पूरा व्यू दिखाएं। अब चल रहे हैं हनुमान घाट की तरफ। शाही ब्रिज आपको दिखाते हुए हनुमान घाट की तरफ चल रहे हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। ये देख सकते हैं ये शाही सद्भावना ब्रिज के पास की मंदिर। अभी साइड से सीढ़ियाँ गई दी गई थी, तो सीढ़ियों के रास्ते से हम ऊपर साइड में आए हैं। तो इस तरफ देख सकते हैं पूरा व्यू। और ये देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक, भाई पब्लिक तो बहुत है। देख सकते हैं ये घटना कोई ना घट न जाए, प्रशासन द्वारा यहाँ पर बांस बल्ली दोनों साइड में लगाया गया है, उस तरफ भी लगाया गया है। अभी नीचे की तरफ से आपको दिखाए, थोड़ा ऊपर से भी आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा व्यू। ये नज़ारा देख सकते हैं। शाही पुल से तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, सद्भावना पुल से भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ से आपको दिखाते हैं। तो अभी देख सकते हैं नीचे साइड का पूरा आपको व्यू, वहाँ से वहाँ शाही पुल और पूरा ये घाट का व्यू दिखा चुके हैं। ये देख सकते हैं पूरा ये। ये पूरा सद्भावना ब्रिज देख सकते हैं। अभी हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी गोपी घाट से होते हुए हनुमान घाट की तरफ चल रहे हैं। सद्भावना ब्रिज पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जौनपुर सिटी के सद्भावना ब्रिज पे मौजूद हैं और हनुमान घाट की तरफ हम चल रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे थी, भीड़ अब कम हो गई है, फिर भी बहुत भीड़ है इस वक्त अगर माना जाए, बहुत भीड़ है छठ पूजा के मौके पर। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहें। ये बोर्ड भी आप देख सकते हैं, आई लव यू जौनपुर। और सामने देख सकते हैं हमारे गुरु अशोक भाई वीडियो बना रहे हैं। गुरु भाई क्या बोलेंगे छठ पूजा के मौके पर? सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया सभी को मनोकामना को पूरी करें ऐसी कामना है। पीछे काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है और हमारे भाई राजू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि काफी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। और देखिए पूरा छठा गुरु भाई को हमारी तरफ से बहुत बहुत भाई धन्यवाद। इसी तरह भाई को सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। छठ पूजा जो कि जनपद जौनपुर में काफ़ी ऐतिहासिक मनाया जा रहा है और हमारा भाई राजू और इस कड़ी मेहनत के साथ लगा हुआ है, तो छठी मैया इनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करें और इसी तरह ये आगे जाए। क्या माता जी अभी धीरे धीरे हम आगे यहाँ पर मोड़ पर आ चुके हैं। उस मोड़ पर आ चुके हैं दोस्तों, जहाँ पर एक स्टेज लगाया गया है छठ पूजा के मौके पर। उस घाट पर तो स्टेज लगाया गया है, लेकिन इस घाट पर भी स्टेज लगाया गया है। तो यहाँ पर बोर्ड वगैरह आप पढ़ सकते हैं
ये है इस वक्त गोपी घाट पर हम मौजूद हैं। इस तरफ का थोड़ा व्यू दिखाते हैं दोस्तों। पब्लिक तो बहुत जा चुकी है, पब्लिक यहाँ खाली हो चुकी है, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, देख सकते हैं स्टेज वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है। नीचे साइड में चलते हैं, नीचे का तो आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। तो देख सकते हैं सद्भावना ब्रिज का इस तरफ का व्यू देख सकते हैं, और गोपी घाट देख सकते हैं यहाँ से, जहाँ वीडियो भी बना चुके हैं उस तरफ का भी। और कहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करें, नमी गंगे दोस्तों। अभी हम घाट के निचले हिस्से में आ चुके हैं, यानी कि एकदम नदी के किनारे आ चुके हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरफ का भी, और इस तरफ उस तरफ उस तरफ देख सकते हैं स्टीमर खड़ी हुई है, जो कि स्टीमर का मजा आप ले सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरा व्यू, जब आपको ऊपर से दिखाए थे शाही पुल से एकदम खचा खच यहाँ पर भरा हुआ था, पूरी पब्लिक जा चुकी है यहाँ से, बहुत कम पब्लिक है। चलिए आपको दिखाते हुए धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ देख सकते हैं तरफ, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये देख सकते हैं ऊपर देख सकते हैं। तो ऐसे भी हम यहाँ पर लेट में पहुँचे, शाम का समय था उस वक्त पहुँचे, लेकिन यहाँ पर बहुत भीड़ थी उस समय। कुछ लोग जा रहे थे पूजा करने करके, यहाँ पर छठ पूजा की पूजा करके लोग यहाँ पर अपने घर के लिए जा रहे थे, उसी वक्त हम पहुँचे थे। तो ये वाला जो घाट है, हनुमान घाट है, ये काफ़ी हद तक खाली हो गया है, पब्लिक यहाँ से जा चुकी है, और कुछ पब्लिक जो बची है जो हम कवर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, देख सकते हैं इस तरफ एक स्टीमर है जगमगाती हुई, झालर वगैरह यहाँ पर लगी हुई है, तो स्टीमर का आप मज़ा ले सकते हैं गोमती नदी में। ये देख सकते हैं यहाँ की जो सजावट की गई है, उस तरफ देख सकते हैं वो सद्भावना ब्रिज की तरफ से भी होते हुए आए हैं, और उस घाट का व्यू देख सकते हैं यहाँ से। शाही ब्रिज देख सकते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। अभी इस वक्त हम ऊपर साइड में आ गए, तो यहाँ जो घाट बनी है, जो घाट बनी है, तो इस घाट का नया निर्माण किया गया है। इस तरफ के भी घाट का नया निर्माण किया गया है, उस तरफ का भी घाट का टोटल वहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा नया निर्माण किया गया है, यानी न्यू निर्माण किया गया है। झालर वगैरह इस तरफ लगी है, काफ़ी जगमगा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं छठ पूजा मोरमा मौर्या का यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, गिरीश चंद्र यादव का भी बोर्ड लगाया गया है। अभी हम फिर से उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था। तो पूरा ये घूमते हुए घाट घूमते हुए इस घाट पे, उसके बाद उस तरफ की घाट पे, मतलब यानी कि सद्भावना ब्रिज से होते हुए हनुमान घाट की तरफ से फिर से शाही ब्रिज पर आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आगे भी जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।